हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम सीखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं, अगर हमें अपना रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गया तो हम अपने प्रोग्राम को या फिर अपने लूप को रोकने के लिए यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। हमने एक फॉर लूप ले लिया और आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, आई उसकी वैल्यू दे दी 1, फिर एक कंडीशन दे दी आई इज लेस देन 10 एंड अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसके अंदर हर बार हमने आई को प्रिंट कराया, कंसोल डॉट लॉग आई। तो हमें 1 से 9 तक के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हमें जब फोर्थ नंबर मिले तब हमें रुकना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ कंडीशन, और उसमें जब भी अपना आई इक्वल टू 4 होगा तब हम अपने ब्रेक स्टेटमेंट को कॉल कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जब भी 4 हमें आई की वैल्यू 4 होगी तब अपने लूप को रोक देगा। मतलब वैल्यू कब तक प्रिंट होगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वैल्यू प्रिंट होगी, फोर्थ के बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। 1, 2 एंड थर्ड वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ऐसे वर्क करता है अपना ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखेंगे हम कि कंटिन्यू का यूज क्या होता है। अगर हमें 4 को प्रिंट नहीं कराना, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इसके आगे का कुछ नहीं प्रिंट कराता, पर कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, सिर्फ 4 को प्रिंट नहीं कराएगा बाकी सबको प्रिंट कराएगा। देखो कंटिन्यू करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखो 1 2 3 5 6 7 8 9, तो इसमें सिर्फ 4 को प्रिंट नहीं कराया। तो हम आगे जब पढ़ रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट कंडीशन, तब हम इनका भी यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का।